नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिनेटिक का आपको फिर स्वागत करता हूँ। ये कमेंट बेस्ड वीडियो था। तो इस वीडियो में 2 5 पिन सॉकेट और 3 स्विच का डिमांड था। तो 3 स्विच में मैंने 1 स्विच यहाँ दिया और 2 स्विच यहाँ पे दिया, ठीक है। 2 5 पिन सॉकेट यहाँ लगाया, सेम इस टाइप से यहाँ पे देखिए मैंने 5 पिन सॉकेट 1 स्विच 1 5 पिन सॉकेट 1 स्विच और 1 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन किया। तो इसका वायरिंग किस होगा वो जान लेते हैं। तो पहले हमारा जो फेज का वायर आएगा, ठीक, वो जान लीजिए। फिर हमारा जो फेज जो लाइन का वायर आएगा, ठीक है, तो वो कहाँ आएगा, वो हमारे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल, ठीक है, स्विच के सारे नीचे वाले टर्मिनल में हमारा फेज का वायर इन करेगा। ये हमारा इन करेगा लाइन के वायर में, ठीक है। उसका शॉर्ट कहाँ करेगा, एक शॉर्ट यहाँ करेगा और एक शॉर्ट यहाँ करेगा। एक एक्स्ट्रा के लिए उन्होंने बोला, जिनका उनका स्विच का 3 डिमांड था, मैंने 3 दिया। एक को मैंने इस 5 पिन सॉकेट के लिए किया यूज, एक को इस 5 पिन सॉकेट के लिए यूज किया, एक को मैंने छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद जरूरत पड़ेगा न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का जरूरत कहाँ पड़ेगा, न्यूट्रल का जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और न्यूट्रल का जरूरत कहाँ पड़ेगा, एक न्यूट्रल का जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। दो जगह न्यूट्रल का जरूरत पड़ेगा, जो हमारा न्यूट्रल का वायर आएगा, ठीक है, जो हमारे पास न्यूट्रल का वायर आएगा, तुम क्या करना, न्यूट्रल का वायर को इन दो जगह के पास कनेक्शन कर देना है, ठीक है। इसके अलावा अगर बॉडी अर्थिंग का घर में कनेक्शन आ रहा है, बाय द वे आया हुआ है अगर बॉडी अर्थिंग, तो बॉडी अर्थिंग आपका कहीं नहीं जाएगा, बस यहाँ पे जाएगा, ठीक है। इस दो जगह पे सॉकेट के ऊपर टर्मिनल बॉडी अर्थिंग का करंट आपके घर में आया है तो आएगा, अगर अर्थिंग में करंट आया है आपके घर में तो, ठीक है। ये हमारा जो लाइन से डोनेट होता है एल, ठीक है, मैंने फेज के लिए पी लिख दिया था, ये एल से डोनेट होता है। जिसका वायरिंग हम करते हैं, इसका वायरिंग किस तरीके से होगा, तो हमको क्या करना है, स्विच के सारे नीचे टर्मिनल को हमको शॉर्ट कराना है। तो मैं इसके लिए एक लूप बना लिया था, क्या करते हैं इसको शॉर्ट करा लेते हैं पहले। ये मेरे जितना स्विच के नीचे टर्मिनल को मैंने फेज से इन करा दिया है। अब क्या करना है, हमको सॉकेट को कंट्रोल करना है, ठीक है। स्विच से हम सॉकेट को शॉर्ट कराएंगे, ठीक है। ये सॉकेट है, सॉकेट को स्विच से हमको कंट्रोल करना है, ठीक है। तो इस स्विच से इस स्विच से ये सॉकेट जहाँ पे हमारा देखिए एल लिखा होगा, ठीक है, ये हमारा देखिए यहाँ पे एल लिखे रहता है और यहाँ पे एन लिखता है, ठीक है। एन यहाँ पे देखिए एन लिखा हुआ है, तो जहाँ हमको एल लिखा हुआ है वहाँ पे हमको स्विच से कनेक्शन देना है, ठीक है, सॉकेट के लिए। सेम यहाँ भी ऐसे ही करना है हमें, ठीक है। ये हमारा कनेक्शन जो था फेज का वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब न्यूट्रल हमको कहाँ कहाँ देना है, न्यूट्रल हमें एक जरूरत पड़ेगा यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो हम न्यूट्रल का वायर ले लेते हैं, हमने न्यूट्रल का कनेक्शन भी कर दिया, ठीक है। तो हमारा फेज फेज का कनेक्शन हो गया था नीचे में, ठीक है। ये हमारा फेज का कनेक्शन है, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये हमने सॉकेट में आउट किया, ठीक है। अब हमको बॉडी अर्थिंग का जरूरत है, तो बॉडी अर्थिंग कहाँ देंगे, बॉडी अर्थिंग हम यहाँ देंगे, एक यहाँ पे सॉकेट में और ये सॉकेट के ऊपर में,
ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो वायरिंग है वो सही कि नहीं हमारा। तो फेज का वायर कहाँ डालेंगे, ठीक है, ये जो हमारा फेज का वायर है वो कहाँ डालेंगे, वो स्विच के नीचे जो टर्मिनल में हम कहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्यूज नहीं है। न्यूट्रल हम यहाँ इन दोनों में कहीं भी डाल सकते हैं और बॉडी अर्थिंग भी इन दोनों में कहीं भी हम डाल सकते हैं। तो क्या करते हैं, हम चेक करके देखते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही है कि नहीं। तो फेज के लिए मैं लाल वायर का यूज़ कर रहा हूँ। फेज हम कहाँ डाल सकते हैं, स्विच के सारे जो नीचे टर्मिनल उसमें एक जगह पर कहीं भी कि कहीं हम एक जगह भी देंगे तो वो करंट सब जगह फॉलो करेगा। हमने फेज का वायर यहाँ दे दिया। न्यूट्रल हम कहाँ देंगे, न्यूट्रल हम इन दोनों में कहीं भी दे सकते, तो फिलहाल हम क्या करते हैं यहाँ दे देते हैं। हमने न्यूट्रल भी दे दिया। अब रहा बॉडी अर्थिंग, बॉडी अर्थिंग कहाँ इन दोनों में कहीं भी दे सकते हैं, तो बॉडी अर्थिंग यहाँ दे देते हैं। और इसको चेक करके देखेंगे कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ। ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसको ऑफ करके सारे कनेक्शन को चेक कर लेते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही है कि नहीं है। तो इसके लिए टेस्टिंग ऑर्डर ले लेते हैं और इसका चेक करके देखते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही है कि नहीं है। तो ये जो हमारा कनेक्शन वो सही है, सेम यहाँ भी चेक करके देख लेते हैं हमारा जो कनेक्शन सही है। बचा ये सॉकेट, ये स्विच का हमारा कनेक्शन सही है कि नहीं है। तो ये स्विच का क्या करेंगे, हम स्विच ऑन करके ऊपर वाले टर्मिनल में एक वायर को सटाएंगे और एक को न्यूट्रल में सटाएंगे, तो ये पता चल जाएगा हमारा जो कनेक्शन है वो सही है, ठीक है। एक बार ऑफ कर लेंगे, अब फिर करेंगे तो ये नहीं जलेगा, बस रहते नीचे में सटाएंगे तो ये जलेगा, ठीक है। तो चलिए, हमारा जो वायरिंग का कनेक्शन है वो सही है और कंप्लीट हुआ।